के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में नाम वापसी के दिन किसी भी प्रत्याशी ने नहीं लिया नाम वापस। गोरखपुर सदर से 10 व 5 गांव सीट से 4 उम्मीदवार आजमाएंगे अपनी किस्मत। आवंटित हुआ चुनाव चिन्ह, डीएम ने कहा आचार संहिता का पालन करते हुए प्रत्याशी करें अपना प्रचार। 19 को होगा मतदान। स्वीप के तत्वावधान में आयोजित हुआ मतदाता जागरूकता अभियान, स्कूली छात्रों ने गोरखपुर रेडी टू वोट 19 मई 2019 की आकृति बनाकर लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। कमिश्नर ने कहा वोट है बहुमूल, न होने दें बेकार, जरूर करें मतदान। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष व स्टार प्रचारक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन, कहा मीडिया को मिल सकेगी चुनाव प्रचार संबंधित जानकारियां। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित, 83.4% बच्चे हुए पास। कुलदीप गुप्ता 97.8% मार्क्स हासिल कर बने जिले के टॉपर। गोरखपुर सदर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने बरगदवा से लेकर कैंपियरगंज तक किया रोड शो, जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया रवि किशन का स्वागत, कहा केंद्र में एक बार फिर बनाए मोदी सरकार। गठबंधन के प्रत्याशी रामभुआल निषाद ने रोड शो के माध्यम से किया जनसंपर्क, सपा बसपा कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी के समर्थन में किसान कांग्रेस हुआ संगठित, कहा राहुल गांधी के बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए निकाली है ये पद यात्रा। गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे। इस बार की मुहिम के साथ समाज के सभी वर्गों के लोगों ने मतदाताओं से किया अपील, कहा 19 मई को जरूर करें मतदान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आयोजित हुआ लेखक समाज और राजनीति विषय पर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार का व्याख्यान, व्यक्त किए अपने विचार। और कामिनी राज के नए भोजपुरी एल्बम गीत डबलुआ के पापा का हुआ लॉन्चिंग।